ये भिंडी बाजार और ये मलाबार हिल, दोनों के बीच की दूरी 7 किलोमीटर, लेकिन इस फासले को तय करने में जिंदगी गुजर जाती है। भिंडी बाजार में पैदा होना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन एक बात बोलूं, भिंडी बाजार में कोई मरना नहीं चाहता। पापा, आटा नहीं दो ना, गोला खाना है। पापा पापा, आटा नहीं दो ना पापा। तेरी माँ की चुपड़ना दूंगा साले कान के नीचे। जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, गोला खाएगा। अरे चाचा, हाँ? घोड़ा मारो घोड़ा। तेरी तो हरामी के बिल्ले मेरा घोड़ा मरवा दिया, तेरी आज कर ले। चल तू। बस हम और वो जो बैंक वाला टिप दिया था उसका क्या? वो साला चूतिया बना गया। वो बात गलत थी, वो टिप ही गलत था। वो मुर्गे ने पैसा निकाला नहीं था, वो जमा कराया था, तो उसके बैंक का रसीद मिला उसके बैंक से। मामू मामू छोड़ दो मामू यार, छोटे छोटे भाई लोग जी। मामू मामू खेला इन्हीं उंगलियों का है ना। गलती हो गई यार, चटर्जी गलती हो गई। बोल मामू
मामू, मामू को मामू नहीं बना सकता। मैं उल्लू के पास आए, थोड़ा तमाशा क्या देख रहा है? तेरी अम्मा की शादी हो रही है? तो तू है वो तेज? जी सर। बाकी लोग स्लो लगते हैं। असली नाम क्या है? ए हीरो, इधर आ। चटर्जी बनेगा? चटर्जी? हाँ, मामू का राइट हैंड। मैं हूँ खतरू चाचा। और मैं बानू आपा। ये रिजवान चाचा, ये बोंदा मोटा भाई, और ये चिल्लर रामबली। तू क्या बनेगा बोल? मैं मामू बनूंगा। मामू? अबे चूती है, मामू मैं हूँ मैं, समझा? चटर्जी बन जा, अपनी गैंग पूरी हो जाएगी। बोला 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 खाएगा? बोला ले लो। तेरे पास इतने पैसे आते कहाँ से? बोलना। चल। ये भाई इस बार का हफ्ता। बस इतना ही, काम नहीं कर रहा आजकल। की कुछ की कुछ। मामू, इसको भी सीखने का है। पतंग उड़ाना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, बेच लो आर्ट। सबसे पहले उस पतंग को ढूंढना होता है जिस पतंग को काटना है, जैसे वो लाल वाली। जो जितना ऊंचा होता है उसे काटना उतना ही आसान होता है। पहले उसे घेरो, ढील दो और फिर से ऊपर। उसकी पतंग कब कट गई उसे पता भी नहीं चलेगा। प्रैक्टिस करेगा तो सीख जाएगा कब खींचना है कब ढील देनी है। कब काटना है क्या नाम है बेटा? मेरी अम्मी ने मेरा नाम तबरेज रखा था। क्या बोला बे? तबरेज। इसका मतलब तेज। शतरंज खेलना आता है? थोड़ा बहुत। चलो गेम हो जाए। व्हाट? ओके। बहुत चर्चे सुने तुम लोगों के बारे में।
तुम दोनों की पतंगबाजी बहुत फेमस है, तू और तेरा जोड़ीदार फतेह। आज कितने? बराबर हो गया, तेरे भी 12 मेरे भी 12 और तेरा। वो इधर हरामी थे साले, सालों की जाति ऐसी होती, दूसरों की जर जोरू और जमीन पर हमेशा नजर रहती है। तो उन लोगों को देख के ही सनक। भैया जी अब आगे बताइए उन दोनों का करना क्या है। अरे पूरे काट देगा तो खुजाऊंगा कैसे। वो का है बापू, ज्यादा बढ़ गया तो खुजाते वक्त प्रॉब्लम करेगा। अरे बढ़ जाएगा तो फिर से कटवा लूंगा, माँ कसम अभी तो खुशाने में बड़ा मजा आवे।
ये दुनिया सारी आड़े टेढ़े हैं सबके रूल। हाँ चोर बाजार तो है ये दुनिया सारी आड़े टेढ़े हैं सबके रूल। जीते हैं अपनी ही शर्तों पे हम भी अपना तो है बस ये उसूल। हाँ पैसा जो जाता है जाएगा ये किसका होके टिका है। हमने तो बस भारी जेबों का बोझ हल्का किया है। पैसा जब चल के आता है तेरे बाप का फिर क्या जाता है। पैसा जब चल के आता है तेरे बाप का फिर क्या जाता है। फालतू में टेंशन नहीं लेने साले नकली चैन पहन के रॉब मारते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद पता चला मैं चूतिया बन गया। तेरे का भी मालूम पड़ा क्या? एक मिनट ये क्या कर रहा है? ये लेना ये वाला। भाई टेबल शॉट मारा भाई, इसको मारूंगा ये वाली यहाँ जाएगी और यानी घूमकर यहाँ आएगी, क्विन खुल जाएगी ना भाई। ट्रिपल शॉट की माँ मत खोद तू अभी। क्या फतेह है, खेलने देना उसको, ट्रिपल शॉट है यार, जाएगी जाएगी। मार मार मार। अबे तेरे को चढ़ा रहे हैं लोग, नहीं जाएगी। मैं तुझे बता रहा हूँ, मारने देना। ट्रिपल शॉट मारने का डेयरिंग तो है, तू तो सिंगल लेने से भी डरता है। अच्छा ये रो भाई, शॉट दे ये सुना। तुम देखो भाई जा रही। अरे ये कहीं भाई टारगेट छोटा है भाई, अगली में आ रहा भाई। देखा, इसके लिए साले तेज को छोड़कर मैं किसी और को पार्टनर बनाता नहीं। चूतिया पार्टनर मिला तो समझो गेम गया। देख गेम फिनिश, घंटा देगा तू, चल देगा, चल चल मार मार। एक कंजरी, एक तो पहली उस साली ने हील मार के मेरी उंगली तोड़ दी यार, अब तू भी मार रही है। देख अभी रानी कैसे जाती है। ऐश है साली की, मामू की साली की। भानु आपस से ज्यादा शॉपिंग तो ये करती है। गेम हो गया भाई, गेम हो गया। क्या हार गया तो जा रहा है? जाते को टोक तो नहीं बचे। बना की साली। ए कंजरी, मेरे साथ बैठी हुई है। ए कमीने, तेरे से ज्यादा कमाटी पूरा देखा है मैंने। डबल मीनिंग बात करेगा काट के हाथ में देगी, समझा? एम्बुलेंस वगैरह
जिंदगी और चेस में कोई खास फर्क नहीं है। जीतने के लिए दोनों में चालें चलनी पड़ती है। लेकिन जिंदगी में यह पता नहीं चलता कि कौन से मोहरे काले हैं और कौन से सफेद। क्या है जुगलेकर, तेरा ये बात कुछ जवान है अपने को। अपना जो बच्चा लोग है ना, जीत काटता है। अरे भाई, हम भी तो जेब काटने की बात कर रहे हैं ना भाई। देखो मामू, अगर बीमारी बाजार में नहीं फैलेगी तो हमारी दवाई की बिक्री नहीं होगी, और हमने तो पहले से ही दवाई का बहुत सारा स्टॉक एडवांस में ही बना के रखा है। इसीलिए अगर बीमारी बाजार में नहीं आई तो हमारा पूरा स्टॉक कचरा हो जाएगा। तुम लोगों का बोलने का मतलब यह है कि जो पॉकेट हम लोग मारेगा उसको पहले ही तुम खाली कर देगा, तो पॉकेट मार के हमको क्या मिलेगा? आप बोलो, क्या कमीशन मांगता है? मतलब हम अपना शिकार तुमको दे और तुम उसमें से हमको कमीशन देगा? आप समझे नहीं मामू। अभी जाने देना मोदी। क्या मामू, इतना छोटा काम बोला वो भी तुमने इनकार कर दिया, और वो पांडे उधर कब से रेडी बैठा है? कुछ चाय नाश्ता भिजवाऊं? मोदी जा रहा है। देखो मामू, ये ठीक नहीं है। बाहर छोड़ गया हो क्या? ठीक है मामू, अगर नहीं परवड़ता है तो कोई वादा नहीं, लेकिन एक बार सोच जरूर लेना। कुछ बता अपने बारे में। क्या बताऊं? कोई गर्लफ्रेंड? मतलब है हुआ मैडम? मैंने मेरे पास कहीं खो गया है। टिकट लिया था आपने? पास है मेरे पास, आप कंडक्टर से पूछ लो। देखने में तो आप अच्छे खासे घर की लड़की लगती हैं और बगैर टिकट के घूमती हैं। ओ भाई साहब, इन्होंने टिकट लिया है, मैंने खुद देखा है। टिकट लिया था? लेकिन आप तो कह रही थी कि आपके पास पास है। अरे मैडम देखिए, अभी आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। चलिए 100 रुपया निकालिए। थामरे बाबा, चलो चलो जल्दी करो। क्या हुआ? शायद मेरा पर्स कहीं गिर गया, हॉस्पिटल से निकलते वक्त था। ये चाल कुछ समझ में नहीं आई। ये बस ऐसे कुछ चाले हम बिना सोचे समझे चल देते हैं, बाद में जाके वही चाल भारी पड़ती। तू गाता तो अच्छा है, फिर साला ट्रेन में क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता है? सिंपल है ना भाई, लोग गाना गाने के पैसे नहीं देते, गाना बंद करने के पैसे देते हैं। मतलब इज्जत प्यारी है तो चुपचाप पैसे निकाल के दे दो, नहीं तो कान का और गाने का दोनों का बलात्कार करना पड़ता है ना भाई। अबे क्या करना पड़ता है? बलात्कार। इसकी माँ की आंख, इससे तो बात करना बेकार है साला। आ लाड़ो। ओए क्या करा भाई, ये पर्स क्या करा तेरे पास?
अपनी लाइन का पहला उसूल भूल गया क्या? पास में पर्स नहीं होना चाहिए, क्या कर क्या रहा तू? समझ ना यार, तुम्हें साले कान एक मारूंगा ना, अभी अपनी उंगली कटवाएगा क्या? क्या कर रहा है? चल इसमें 460 रुपए 50 पैसे मैं दे दूंगा। तू ऐसा करेगा क्या? है क्या करेगा उसका? करेगा क्या? अरे हमारी बस में देखा नहीं थी। एक्सक्यूज मी, देख ले। हाँ, देख पीछे। क्या प्रॉब्लम है? ये पर्स आपका है? वो बस में मिला था। हो गया? हाँ। क्या हुआ? उतरने से पहले बोला कर, सेटिंग अपनी खराब होती है, समझा साले को? साले, पहले पर्स मारता फिर वापस करता है। आई यूज्ड टू पे। अच्छा मैं कबाब खाने जा रहा हूँ, किसी को चाहिए? हाँ मैं खाऊंगा यार। तू तो ठूस। मैं अभी आया। कहाँ जा रहा है? आदमी ना जो सिगरेट ले रहा था पान वाले से। हाँ देखा तू ना? देखा। तुम लोग में से तेज कौन है? सर माइसेल्फ तेज। और फतेह? ये है फतेह, ये है कंजरी, और ये खतरू। मामू को मेरा सलाम बोल। एक खतरू बाबा, तू किधर? चल कान पकड़ और पांच उठा बचे कर। अरे जाने दो ना साहब। नहीं नहीं, इसका ये गुना नहीं है कि ये मेरा पॉकेट मारा। ऐसा ही आदमी पहचानने में मिस्टेक करेगा तो एक दिन मामू को दुबा डालेगा। चार पांच चला। कुछ पिएगा? गन्ने का जूस मिलेगा क्या? ये बस आ गई रे, चल ये हिसाब में लिख ले। चलो 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 यार। अरे सॉरी सॉरी भाई साहब, सॉरी सॉरी।
क्या हुआ, कट गई कि फट गई? अरे साहब, लगता है किसी मेरी जेब काट ली। मेरे पास पास है, मंथली पास। मांगते तो कंडक्टर से पूछ लो। मैंने देखा था। हाँ। टिकट लिया था इन्हें। अब रगों में जो बसर है वो तेरा ही असर है, फिर भी तू बेखबर है ओ पिया, ओ पिया। रंग कुछ ऐसे चढ़ते हैं हाथ जैसे कोई गीली मिट्टी को गढ़ते हैं, आदतन ही सही बदला है कुछ तो कहीं, कभी तो आंखें बंद करके भी दिखता है सब नया, यूं लगे के जहां में कोई अपने सिवा आ जा रे पिया। अरे बहुत प्यार करता हूं तेरे से, लिख के देना पड़ेगा क्या? एक मिनट रुक। ए संकट भाई, ये सब उस संकट पांडे की हरकत है। रामजादा ने जानबूझ के किया, वरना अपने खतरों को कोई हाथ लगा सकता है क्या? उनका कोई लौंडा तुम्हारे इलाके में आएगा तो क्या करोगे तुम लोग? लेकिन मामू, आइटम तो 12:30 बजे के बाद शुरू होगा। मतलब सुन रहे, संकट को देखा क्या? हाँ, वो रहा। ये अपनी लेडीज स्पेशल गुप्ती नाम है इसका। भाई बैठना। और लेगी जास्ते चिंता नहीं करने की, भैया जी के साथ अपना पुराना कनेक्शन है, है? क्या समझी साहब? हाथ जा रखा है ना, वहीं रहने दो। और ऊपर लेके जाओगे ना तो झटका लगेगा। धमकी दे रही है? मेरे को धमकी दे रही है? दे नहीं रही, दे रहा है। लौंडा है। लौंडा।
इसलिए मैं गुप्ती नाम है इसका। तुम लोग पहला पूरे का पूरा हरा दिए। वो पाटिल वाला कैसे आ रहा है? समझता नहीं क्या तेरे को? इसकी तो माँ की दिमाग खराब कर दिया। क्या हुआ साहब, नखरा दिखा रही है क्या? लौंडिया नहीं लौंडा है। साले अब ले तो माँ की बहुत चर्बी आ गई ना तेरे को। चल माता चौथ तेरी चर्बी निकालता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये चंपक किधर मिलेगा? चंपक? यस। खतरों के बारे में पूछिए। यहाँ क्या कर रही है? निकलना यहाँ से। देखो भाई, इसको बोलते हैं सुमड़ी में कुमड़ी। हाँ यार, वहाँ का सब कुछ सोच में सकता है, खतरों की भी कोई आइटम हो सकती है। हाँ, तो तुझे क्या लगता है, सब इसके जैसे है क्या? अपना हाथ जोगाना। ए दिमाग खराब मत कर मेरा, बहुत ज्यादा बोल रही है आज के लिए, किसी दिन काट दूंगा मैं। फतेह भाई, वो क्या के शंकर पांडे का पंचर, साली काफी बस में देखा मैंने। तो एक को मारता तेरे दो मरते। मरते तो आपके भी दो। तो फिर मारा क्यों? की आंख साला निकल गया हाथ से। निकल गए? समझा इसको, हम लोग उन लोगों को कभी भी बचा सकते हैं। उनके एरिया में जाकर ना उनको धोपट कर। शराब मत बन तो। अरे एक मिनट, दिमाग खराब मत कर साले, भजा डालो तेरे को भीतर। हुआ क्या है? हाँ साला खड़े रहे हम लोग उधर, और वो हरामजादे हमारे मुंह पर थूक गए। कुछ नहीं बोलता तो साला, आइटम के चक्कर में हरामजादा गांडू हो गया। कोई लड़की बड़की की बात नहीं है, वो लोग वहाँ पूरी तैयारी के साथ आए थे और हम लोग पप्पू बन के। हाँ, तभी तेरी फट गई साले, तभी तेरी फट गई। उधर पप्पू बन गए साले, देख रहा इसको, देख रहा इसको कितना मारा है, देख रहा। छोड़ना यार,
अपनी तो तकदीर में मार खाना लिखा, पब्लिक मारे, पुलिस मारे या कोई और मारे, क्या फर्क पड़ता है? चलो चल भाई, बाय। फोन करना। कैसे ताके? सलाम करना, मेरे गुरु भाई है। एक गुरु द्रोणाचार्य थे, ये उनसे भी बड़े। उंगलियां काटना तो ठीक है मामू, लेकिन हाथ काटना देख कच्चे। वो एक्सीडेंट था, तेरे को भी पता है? मुझे पता है ना, मुझे तो सब कुछ पता है। सच तो यह है मामू कि तेरे लौंडे तेरे वश में नहीं है और मेरे लौंडे भी मेरे वश में नहीं। तो हमको तो रिटायर हो जाना चाहिए, क्यों फोकट में आखिरी टाइम में अपनी इज्जत का फालूदा करवाना। छोड़ो ना मामू, किसके मुंह लग रहे हो? चलो मामू। भैया जी आप थे, वरना उस साले को तो वहीं काट के रख देता। तो मैंने तेरे हाथ बांधे हुए थे, तुम लोग साले बोलते बहुत। वो देखा था सोने को कैसा नहीं आया था, और तुम्हें से किसी की गांड में इतना गुण नहीं था कि आगे बढ़ के उसकी कनपटी के नीचे एक रेपता मार सके। अरे आप सिर्फ इशारा करो, अभी ठोकर सालों को जाके मैं। अरे देख, अरे देख दो चूतिये को, साले को तमंचे और रेपते के बीच में फर्क नहीं मालूम। हराम साले, क्या मतलब है भैया जी? उन हराम के पिल्लों ने काके का जूतम पैजार करके छोड़ दिया, बात कर रहे हो? तो क्या करोगे तुम लोग? एक के बदले दो मारेंगे मादर चौदों के। दो मारेंगे, फूतों के बदले चार नहीं मारेंगे। चल वो एक को तो मारेंगे, वो एक कौन होगा? तू तू मरेगा, तू मरेगा साले। भैया जी ठीक कह रहे हैं, अभी लफड़े का टाइम नहीं है। जो लेकर भी आया था कह रहा था साथ में काम शुरू करना है, इन सब पचों में पड़ोगे तो काम लटक जाएगा। थोड़ा और दे दो। अरे क्या रे, तेरे हाथ में अब वो स्वाद नहीं रहा है। मैं जा रहा हूँ बीबी जी को छोड़ने। ये शम्मी आजकल दिल से खाना नहीं बनाता। वो तो वैसे ही बनाता है जैसे हमेशा से बनाता है। आपको ही आजकल होटल का चस्का लग गया। आपा मैं जाकर वापस आती हूँ, पार्लर बंद हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। लगता है किसी से जबरदस्त चक्कर चल रहा है साली का, मामू की साली का।
रोज शाम को बंट पहन के निकलती है। आती हूँ। पार्लर जाती है? ब्यूटी पार्लर? काम सीखना है। अच्छा, तुझे बड़ा पता है? हाँ। ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? क्या गर्म होता है? नहीं चटर्जी, सेक्शन भी बहुत गर्म है। 15 दिन के बाद इलेक्शन है ना, हम लोग को ऊपर से एक लिस्ट मिला है जिसमें वो लोग का नाम है जिसको इलेक्शन के पहले अंदर लेने का है। ले जा, लाकर नंबर मालूम है ना जी। मामू, तुमको 15 दिन का छुट्टी के ऊपर जाना गिरेगा, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए। पनवेल के फार्म हाउस का एसी ठीक करवाना पड़ेगा, एक नया डलवाना भी पड़ेगा। यदि यहां से मैकेनिक भेजेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। भेज। यहां का काम कौन संभालेगा? क्यों, चटर्जी है, रिजवानू है। रिजवानू को नहीं लेके जा रहे हो? नहीं। लेकिन रिजवानू को भी ले चलते तो अच्छा रहता ना। अरे यहाँ तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? मतलब मैं नहीं जा रही हूँ आपके साथ, तो वहाँ आपका ध्यान कौन रखेगा? शबाना है ना, शबाना जाएगी साथ, बोल दिया मैंने उसको। वो शुरू से ही उनको फंसाने में लगी हुई थी। गांव से लाई थी, मेरा हाथ पटाएगी, लेकिन वो तो मेरा बिस्तर पाटने के चक्कर में लग गई। यहां के ऐशो आराम देखकर नियत खराब हो गई उसकी। पापा आ जाएंगे, छोड़िए ना, छोड़िए ना। आउच। तबड़क 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 चेक।
क्या क्या हुआ उन्हें? उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो लोगों को चार बार अटैक आते फिर भी बच जाते, लेकिन मामू तो बस अचानक ही। तो मुझे पता है मुझे ही पता है कलमे पाक कलमे शहादत। सुना बड़ा बाप बुलाया तेरे को? अंदर का खबर है, तू बनेगा नवा मामू। कलमे पाक कलमे शहादत।
फंसी है। इस खेल का यही मजा है, जब एक वजीर मरता है तो एक मामूली सा प्यादा वजीर बन जाता है। लेकिन जिस बादशाह के लिए लड़ाई होती है वो कभी नहीं मरता। लड़ाई बादशाह के लिए नहीं होती, बादशाह के लिए होती है। जानते हो बादशाह? सत्ता। ओए, देखना मस्त ना मस्त। लेकिन अपन को इसकी क्या जरूरत है? अबे मामू बनने का सर्टिफिकेट है, बाप ने दिया। आज से सिरे का मामू मैं हूं बेटा, मैं, समझा क्या? खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इसको मजा आया तो लग गई उसकी, साला बीच में आ जाता। अरे दादा, भाई भैया जी ने गिफ्ट भेजा है। कहा है कि पुराना लपड़ा बुला करके अब उसको समझाने की जरूरत नहीं है, शाना है वो, डेढ़ शाना है। तो ठीक है फिर अब निकलते हैं हम। दुबे, मुझे निकले तो 30 साल हो गए, तू अभी तक फंसा है। अरे रुको भाई रुको, जरा अपना ये सब खत्म करके जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे फिर कभी पीलेंगे, अपना ही घर है, आना जाना तो लगा ही रहेगा। सही है फिर। और पांडे को थैंक यू बोलना। पिएगा? थोड़ी सी तो पीले। अरे हटा रहा है यार, क्या चूतियापंथी कर रहा है? अबे चूतियापंथी मैं करूँ? मैं पागल इधर का मामू मैं, समझे क्या? मामू मामू, हाँ घंटे का मामू। मामू के सामने फट्टी थी इन लोगों की और तेरे सामने कैसे चौड़ा के घूम रहा है? अबे छोड़ना है यार, बस सामने से आ चाटने के लिए। ओए छोटे, मगज मारी करने का कोई फायदा है क्या? हम लोगों ने बहुत राड़ा कर लिया, अब काम करने का, सैकड़ों रुपए कमाने का, मल्लाबार हिल में फ्लैट देने का, डुप्लेक्स, उसके बाद ये चोर बाजार को टाटा बाय बाय। मतलब मामू तो तू बन गया, अब तेरे को बाप बनने का, बड़ा बाप। समझने वाली बात है ना यार। मैं चलूं क्या? बाकी यार। मैं तो भूल ही गया था कि तू अंदर ही बैठी हुई है। मैं आता हूं ना, कुछ प्राइवेट में बात करने का इसको मेरे साथ। जा रहे यार तू मेरी। चल मिलता हूं तेरे से बाद में, ठीक है? जा। Thank you.
हाँ वही लगता तू ना तू जा अरे जा अरे अरे मुझे डर लगता है देखो चिदा जा क्या हुआ नितिन के जिस फ्रेंड ने हमें पास देने का वादा किया था ना उसने हमें टांग दे दी मतलब तेरे नितिन ने हमको टांग दे दी चलो बैक टू पवेलियन एक बार तो ट्राई करते हैं नहीं दो टिकट शायद किसी नहीं मिलेंगे ओके ना नहीं यार चलना यार प्लीज 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 ना सुनना प्लीज ना वापस चलना ट्राई तो करते हैं मान जाएगा फॉरगेट इट वापस चलकर ट्राई तो कर सकते हैं ना हम लोग एक्सक्यूज मी क्या व्हाट इज द यूज लुक एट द टाइम यू आर नॉट गोना गेट इट एक्सक्यूज मी हाय एक्सक्यूज मी मेरे पास दो एक्स्ट्रा टिकट्स हैं आपको चाहिए टिकट थैंक यू इट्स ओके सेट है शाहरुख की दीवार देखिए अगर लड़की पलट के देखे समझो मामला फिट है एकदम फन टू विश जैसे देखा सॉरी सॉरी भीड़ में किसी को छुपाएगा ना तो पता भी नहीं चलेगा और अपना काम हो जाएगा उसके बाद अबे मेरे हिस्से उसके बाद अपने को क्या अपना एक छोकरा 10 निपटा था दिन में कोटा पूरा क्या हो गया तू तो टेंशन में क्यों आ गया कोई मर गया तो अरे मरेगा कैसे मरने वाला दवाई खरीदता है क्या वो है ना आपका मोदी वो दवाई बेचने के लिए खड़ा उधर कफन का धंधा नहीं है उसका और अगर उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं हुए मर गया तो क्या हो गया तूने पहले कभी सोचा क्या ये सब क्या हो गया तुझे अच्छा तुझे वो स्कूल का लौंडा याद है जिसका पर्स तूने मारा था वो हमको लगा था कि स्कूल की फीस होगी उसके पास वो कोई एग्जाम एग्जाम देने जा रहा था उसमें था ना वो क्या उसका एंट्री टिकट उठा हॉल टिकट ओ चूतिया फांसी लगा गया मर गया देख बंटा जब हम किसी का पर्स मारते ना तो हमको पता नहीं होता है कि किसमें क्या है किसी का राशन का पैसा होता है किसी का दारू का पैसा होता है दवाई का पैसा अपन लोग हरामी लोग हैं हमको से लेना क्या हम ये सब सोचने बैठेंगे तो खाली भीख मांगनी पड़ेगी और वो भी साल की नहीं मिलेगी पतंग उड़ाते ना हम लोग तो कभी कभी मांझे से कभी तो मर जाता है अफसोस नहीं करना क्या उसका काटने का खाने का मजा लेने का पिंडी उधार सारे किल इट ईट इट फॉरगेट इट समझा क्या चल
कुछ हिसाब न रख, नंगे चेहरों की बस्ती में कोई नकाब न रख। एक्चुअली ये फ्लू तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये कोई हमारे मुल्क में पैदा नहीं हुआ। जब ये ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आया था ना, तब से हमारी कंपनी ने इसका एंटीडोट बनाने का काम चालू कर दिया। फ्लू एक महामारी की तरह फैल रहा है, खासतौर पर बसों में, ट्रेन में चलने वाले आम मुसाफिरों को ये अपनी चपेट में ले रहा है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर ये वायरस आसानी से फैल जाता है और इसके लिए जरूरी है प्रिकॉशन। इसीलिए हमने तीन टाइप के मास्क बनाए, लोकल, इकोनॉमी और एग्जीक्यूटिव क्लास। शहर के विभिन्न इलाकों से इस फ्लू के अब तक 300 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जितनी तेजी से यह संक्रमण फैल रहा है, उसको देखकर लगता है कि सरकार जल्द ही इसे महामारी घोषित करेगी। लालच की कभी भी जो आजमाइश होगी। तूने मारा मामे को? लालच की कभी संकट में क्यों? मामू को मार के चोर साल चोर और कौन पता क्या, सरकारी दफ्तर में इस साल में रिटायर हो जाए तो दूसरा बाबू बन जाए। एक मामू मरता तो दूसरा मरता। टेंशन मत ले मेरे यार, मजे ले। एक बात बताऊं, पूरा नंगा होने में भी कोई मजा नहीं है। तुझे क्या लगता है, फतेह ने मामू को मारा होगा? नहीं, मुझे पता है कि फतेह ने ही मामू को मारा। फिर क्या बोलते हैं? मामू कल पनवेल जा रहा है और वो उसकी साली भी है। तो ये काम तू काय को नहीं करता? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए तुम अपना कोई आदमी लगाओ ना। तब तो फिर साली का भी गेम बजाना पड़ेगा। नहीं नहीं, अरे उसको मैं संभाल लूंगा ना। दिल आ गया साली पे। और तू किसकी तरफ था, फतेह या मामू? मैं अपनी तरफ था। जैसे कि मुंबई की जनता को पता है, इस दूसरे बीमार लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अरे तकड़ी करके मारना रे। मुझे अरे इतनी शीशी बची हमारे पास? नहीं, हमारी तो खत्म हो गई।
वो फतेह की भी खत्म हो गई होगी। कल पैसे मांग रहा था वो। तो दे देंगे साले को। अरे इस तरह मारना रे। ज्यादा पैसे मांग रहा था। कितने? एक ठोका। बाप कर रहा है। एक बार पकड़ के तो देख है? टच कर टच कर। बिजली की तरह चलती है सारी। टच कर टच कर टच कर। कितना है? 25 पेटी फुल एंड फाइनल। बाकी के पैसे क्या पांडे अपने गांड में डालेगा? माँ की आग मेरे बाप का ये बैठा। तेरे पांडे भैया की माँ की उसको बोलेगा मेरे साथ काम करने का है तो स्ट्रेट करना है, वरना उसके पिछवाड़े में ऐसा बंबू डालूंगा ना कि हलक से बाहर निकलेगा। क्या बोलेगा? समझ गया। बोलना बे, क्या बोलेगा? पिछवाड़े से बंबू डालेगा, हलक से निकालेगा। हाँ उसको बोला, मामू ने बोला है। किसने बोला है? मामू ने। सही है। बहुत मजा आया। अरे मुझे कुछ काम है, मैं बाहर हूँ। ठीक है, बाय बाय। Hi. Hi. Happy birthday. Birthday? तुम्हें किसने कहा कि मेरा बर्थडे है? Actually, I know it's bad manners, पर उस दिन बस में मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। तभी तुमने आधी बात सुनी। बर्थडे मेरा नहीं, मेरी दोस्त का है। उसी को लाए थे यहाँ पे ट्रीट देने। तो फिर मेरा रिटर्न गिफ्ट तो कैंसिल। रिटर्न गिफ्ट? हाँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया, मैंने सोचा तुम भी मेरे लिए कुछ ना कुछ तो यू नो। क्या हुआ? अरे साला किसी ने मेरी जेब। What happened? Sorry for the language. किसी ने मेरी जेब काट ली। नहीं, सारे हरामजादे होते ही ऐसे हैं। पहले तो इनके लिए बहुत छोटी चीज है। शमशान घाट जाना है, उसके पुल चुनना है, याद रखना। और तू सुबह यानी कि परसों का बनारस का टिकट करवा ले। कम से कम उसकी आत्मा की शांति के लिए इतना तो कष्ट उठानी पड़ेगा।
और उस हरामजादे फतेह का क्या? कल वार क्या है? शुक्रवार। जुम्मा। अच्छा, ये साला नमाज पढ़ने तो आता ही होगा। बहुत लोग होंगे, दंगा हो जाएगा। ये जो दंगा होता है ना, बहुत बड़ा होता है। और दंगों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि कौन किसको मारता है ये पता ही नहीं चलता। चलो। कौन था वो? तुझे क्यों छोड़ दिया? कौन था? तेरा यार था, सॉरी, तेरा यार था। सही बोला बाबू, दंगे में कौन किसको मारता है पता ही नहीं चलता। सामान का सामान तो नहीं है। पापा के लिए यहाँ कुछ नहीं बचा। ढाका में हमारे रिश्तेदार हैं, वहाँ रहेंगी तो मन लगा रहेगा ना। भाई क्या बोलता है, ये सब साला वो संकट का मादर चटपन है। भैया जी उसको ऐसा बांबू डाला ना, दूसरी बार इधर देखने का बात ही नहीं करेगा। मैं क्या बोलता है, तुम लोग का भी एक गया ना, वो लोग का भी एक गया, ये सब फिटूस। अभी मैं बोलता है काय को लफड़ा बढ़ाने का, और भैया जी खुद चल के तुम लोग से मांडवली करने को मांगता है। भैया को बोल मांडवली करना है तो इधर आएगा। क्या बात करता है? नहीं मतलब
सच्ची बोलेगा ना तो वो लोग का इधर आने को फटता है। वो लोग नहीं आएंगे इधर और हम लोग उधर नहीं जाएंगे। तो ठीक है ना, पलती जगह भी मिलते हैं, इधर ना तू शेर ना वो शेर, क्या बोलता है? जास्ती टेंशन लेने का नहीं। अरे मैं भी रहेगा ना उधर, कोई लफड़ा नहीं होएगा, मैं बोलता ना। अरे ये सब ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरे कपड़े कहाँ हैं? एक जोड़ी नहीं है अलमारी में, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ दो जोड़ी है ना, कल शाम तक के लिए दो जोड़ी काफी हैं, है ना? कल शाम आपकी ट्रेन है, मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया, आपकी ट्रेन की टिकट भी कंफर्म है और रिजवानू भी आपके साथ जा रहा है। वो क्या है ना, उसे गांव की बहुत याद आ रही है ना, इसलिए आपा आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मैं यहाँ सबको संभाल लूंगी। ले मार। पांडे ने बुलाया था मुझे। क्या? वहीं जहां तुझे बुलाया था। क्यों? सोच। क्या बात कर रहा है? पांडे की बात पांडे की बात कैसा है फतेह? मामू बोलने का मेरे को। अरे वरना वरना कुछ दिन लग जाएंगे अस्पताल में। अरे क्यों? ऐसी लात मारूंगा ना कि 7 दिन तो मेरे पांव के तरीके कांड में से निकालने को मिलेंगे। चूतिया है तू एक नंबर का। जब मैं मामू का गेम बजा सकता हूं तो तू तो लौंडा मेरे सामने। वो कहते हैं ना गोटे कितने बड़े हो जाएं, लेकिन रहते हैं निशा नीचे। देख तेरे पास अभी सिर्फ 3 चांस है। एक तो तेरे को मेरी गोली से मरने का है, या तेरे को संकट की गोली से मरने का है, और या फिर तेरे को तेरे जिगरी दोस्त की गोली से मरने का है। तो बोल क्या बोलता है? क्या बोलूं, तेरे पास तो वो चांस भी नहीं है।
चले लफड़ा नहीं चाहिए, अपना अपना बंदूक फेंको, चलो दादो तू पर। तू इधर कैसा? ड्यूटी तो लोग का साथ में है? मेरे ड्यूटी पहले है। मैं कशल डू के आई झेड़ कर तू नारकोटिक्स में है ना? हाँ मग जाने कब चू? अबे टीप मिला है पांडे के पास, बड़ा कंसाइनमेंट है। ये ज्यादा समझा चू किए को, मैं इसको ड्रग्स बेचने वाला लगता हूँ। लगता नहीं रे, मतलब शूट आउट के बाद में कौन क्या बेच रहा है किसको क्या मालूम है ना। अगर पुलिस वाले पे गोली चलाएगा तो इनकाउंटर तो करना ही पड़ेगा ना बाप। इस घोड़े को तो मैंने देखा ही नहीं। अच्छा खेल लेते? मेरा बाप कहा करता था कि जो गेम को बाहर से देखता है ना उसे दोनों मोहरे और चाल ज्यादा समझ में आते हैं, इसलिए मैंने गेम को हमेशा बाहर से देखा और धीरे धीरे हर चाल मेरी समझ में आ गई। फतेह दरवाजा खोल, फतेह ये तो मर गई। कैसे ऐसे? मैंने उसे बता दिया था कि संकट पांडे मर गया तो वो संकट पांडे मर गया तो तुमको पता नहीं संकट और ये आए, ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? जान है तू मेरी जान, तेरा इंतजार तो मैं सारी जिंदगी कर सकता हूँ। अच्छा एक बात बता, तू उस डड़बे में कैसे रहती है? डड़बे में रहूं या तबेले में क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। अच्छा मुझे मालूम था इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, लेकिन वो जानते थे कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। छोड़ना, बहुत दुखी है। वैसे मरने वाले के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन थी बाय गॉड
अच्छा वो मर गई। अच्छा एक बात बता, तू मेरे लिए जान दे सकती है क्या? बोल के देख। तभी कम नहीं है हाँ? पता है किस साल ही ज़्यादा ये साल है। हाय हाय। तुम्हारा ये गिफ्ट जो रह गया था। गिफ्ट? बर्थडे गिफ्ट? ओह कम ऑन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा बर्थडे नहीं था। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए लिया था, सो हियर इट इज। क्या है? मेरे जाने के बाद देखना है, अगर तुम्हें पसंद आया तो बदले में मुझे रिटर्न गिफ्ट दे देना। पर आइडेंटिटी से मेरा नेम। मैं भी तुम्हारा नाम कहां जानता हूं। मगर अपना नाम मेरी बस आ गई। अच्छा सुनो, अपना नाम। हेलो जाने के बाद देखना। ओके नहीं जाने के बाद। जानते हो जब बादशाह के साथ अकेला मोहरा बचता है ना तो वो पागल कहलाता है। बिना किसी सपोर्ट के किसी को भी मार सकता है। मेरा अकेला मोहरा है हाथी। अब तेरे हाथ वैसे नहीं चलते होंगे जैसे पहले चलते थे। क्यों? वो देख। इक्वल हो गए साले हम लोग। आज इक्वल नहीं हुआ। कैसे? आज मैं जीत गया। नो ऐसा क्यों किया भाई तुमने? क्योंकि मुझे भी बचपन से मामू बनना था लेकिन तूने कभी सोचा नहीं। चैटर्जी बनेगा? चैटर्जी? हाँ मैं मामू बनूंगा। मामू? ये चोर बाजार में कोई नहीं रहना चाहता। मुझे भी अपनी लाइफ बनानी है। मामू बनने का है मेरे को भी। चोर बाजार का उसूल है साला, एक मामू मरता है तो दूसरा बनता है। साला जहां देखो बीड़ी,
खुद भी मरेगा हमें मरवाएगा। कहाँ है तेरा दोस्ताना? देख रहा है क्या हालत बनाई मेरी कंजरी, सही में बाई जैसी। बोल। वो पतंग के पीछे हम लोग फाटक के उस पर चले गए, कट्टा भी वहां पहुंच गया था। फतेह के पास उसकी गन नहीं थी। मर गया? बोल, मर गया? तू उसे छोड़ के आ गया? तेरी तो दोस्त बोला था ना उसने तुझे? बस, बस, उसने भी मामू को मारा था। गेम तभी से खराब हुआ जब तुम्हारे इस घोड़े ने मेरे ऊंट को मारा था। साली बाजी पलट गई। इत्तेफाकन चाल थी पर काम कर गई। वो चाल एक इत्तेफाक नहीं थी। इट वॉज अ प्री प्लान्ड मूव। तभी क्या चाहिए? तू गए, तू भी मरा तो बिल फतेह पर फटेगा। ये लोग फतेह के पीछे पड़ जाएंगे और फतेह फतेह इन लोग की बैंड बजा देगा। सिंपल है, हो जाए। थैंक यू सो मच। मैं जानता था कि मामू के लिए आप इतना तो जरूर करेंगे। मैं मामू के लिए नहीं कर रहा, तन्हाई तेरे लिए। अगर किसी की 6 साल की बेटी फ्लू में मर गई तो उसे कैसा लगेगा? आपकी 6 साल की बच्ची मर गई? बोला क्या? चार तुमने एक बाजी जीतने के लिए सारे मोहरों को मरवा दिया। किसी ने कहा है कि खेल में हार या जीत मायने नहीं रखती। वो उसने हारने के बाद ही कहा होगा। क्योंकि खेल सिर्फ जीतने के लिए खेला जाता है। एंड आई वॉन्ट। तेरे साथ खेल के बहुत मजा आया। एक और गेम हो जाए। किसी की चाल समझने को एक गेम बहुत होती है। अब मैं दूसरी खेलूंगा तो हार जाऊंगा। अगर तू इतना समझ गया तो अच्छा, वरना दुबे, संकट, पांडे, भुजंग, जादव और फतेह सभी को इसी ने मरवाया। तेज है इस बिसात पे ऐसा कोई मोहरा नहीं जो उसे हिला सके। मैंने उसे एक नहीं दोनों एरिया का मामू बना दिया। दोनों एरिया का मामू फिर से बोलू क्या? We'll be right back.
टाइम पे आ जाना चेकअप के लिए, भूलना मत क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। पता है बाबा, मैं आ जाऊंगी। पता है, तुझे सब पता है, मगर हमेशा लेट आती है। मेरी बात ध्यान रख, चेकअप पर आ जाना, ठीक है? अरे यार, ये असली है? हाँ, हो भी सकती है। क्या बात कर रही है? हाँ, लगी होगी साले को। अच्छा सुन, तू आ जाना। बहुत सारे लोगों के पॉकेट मारे हैं तेज ने, उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है क्या? अपने यहाँ कोई तेज नाम का पेशेंट आया है क्या? हाँ, वो एक्सीडेंट वाला केस, 6 नंबर वार्ड 4 नंबर बेड। तू रुक, मैं आती हूँ। सर, मेरे भाई का वॉलेट खो गया है सर। ठीक है, क्या था उस पर्स में? सर, उसका आई कार्ड और 200-300 रुपए सर। ठीक है, मैंने कंप्लेंट लिख ली है। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे हैं सर, सर उसका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा सर। मैंने कंप्लेंट लिख ली है, अगर पर्स मिल जाएगा तो बता देंगे ना। अभी अभी जाओ यहाँ से। अभी जाओ मैडम, बोला ना। आजकल बहुत नाटक हो गया इन लोगों का। किसका एरिया है वो? मालाबार हिल। तेज का है साहब। उम्मीदें वो तेरी
सभी मुट्ठी से पानी की तरह बही उम्मीदें वो तेरी मेरी सभी अब ये मंजर है सब बंजर है क्या जमीन क्या फलक और क्या जहां कितनी बातें आधी अधूरी कितनी बातें जो तुमसे न कह पाया मैं रिसने लगे यादों में सब मेरी जो थे जमे लम्हे वो आँखों से रिसने लगे यादों में सब मेरी जो थे जमे वो तरप से लड़ते हैं हश्र